चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। किसान आंदोलन पर सियासत जारी, एक दिन के उपवास पर बैठेंगे कृषि मंत्री कमल पटेल, प्रदर्शनकारियों की सद्बुद्धि के लिए कृषि मंत्री उपवास करेंगे। चार फरवरी को हरदा में एक दिन के उपवास पर कृषि मंत्री कमल पटेल बैठेंगे। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकुर जी की ओर। अंकुर जी, 4 फरवरी को हरदा में एक दिन के उपवास पर कृषि मंत्री कमल पटेल बैठने वाले हैं, ये पूरी बीजेपी पार्टी का माना जाए कि उनकी तरफ से है या फिर ये उनकी व्यक्तिगत फैसला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार जिस तरह से 58 दिन से ये किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है उनकी सद्बुद्धि के लिए एक दिन के उपवास पर 4 फरवरी को हरदा जिले में नर्मदा किनारे पर एक दिन के उपवास पर बैठेंगे। ये बीजेपी का कहना है, उनका कहना है, कृषि मंत्री कमल पटेल का ही कहना, खुद का ये निर्णय है कि वो प्रदर्शनकारियों की सद्बुद्धि के लिए एक दिन के उपवास पर बैठेंगे। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में लगातार से जारी है, मध्य प्रदेश में इसका कैसे कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस रणनीति बना रही है आगे किसान आंदोलन के चलते घेराव का या प्रदर्शन करने का, उसके पहले कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 4 फरवरी को वो हरदा में नर्मदा किनारे पर उपवास पर बैठेंगे। निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारी जो है उनकी सद्बुद्धि के लिए पूरा उपवास कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा किया जाएगा, एक दिन का उनका ये उपवास रहेगा। जी बिल्कुल, प्रदेश क्या पूरे देश में सियासत किसान आंदोलन को लेकर जारी है। इसी बीच कमल पटेल उपवास पर कल यानी 4 फरवरी को बैठेंगे, इस उपवास के आगे क्या असर पड़ सकता है? निश्चित तौर पर ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और फर्क पड़ना ना पड़ना ये अलग बात होती है, मतलब किसी के उपवास करने से या किसी के ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरह से वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। जो प्रदर्शनकारी है या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो कम से कम इन कृषि कानूनों का अर्थ समझे कि आने वाले दिनों में किसानों को किस तरह से इन कृषि कानूनों का फायदा मिलेगा, किस तरह से किसानों की आय बढ़ेगी, ये सब मैसेज देने के लिए कृषि मंत्री का एक दिन का उपवास है। खासतौर पर प्रदर्शनकारियों की सद्बुद्धि के लिए उनका ये उपवास है, एक मैसेज वो देना चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून है किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। जी अंकुर जी बिल्कुल, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। 4 फरवरी को हरदा में एक दिन के उपवास पर कृषि मंत्री कमल पटेल बैठेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की सद्बुद्धि के लिए उन्होंने ये फैसला